बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो है वो सेंसरी रिसेप्टर्स में लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ द इलेक्ट्रो रिसेप्शन। इलेक्ट्रो रिसेप्शन बेसिकली ये बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसके साथ हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स ऑफ इलेक्ट्रो रिसेप्शन बेसिकली क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ द लेटरल लाइन, ठीक है। अब लेटरल लाइन बेसिकली क्या है कि कुछ जो हैं एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर जो है वो लेटरल लाइन सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है। अब ये लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो क्या है और किस तरह से वर्क करता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास ये जैसे आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है फिश का, ठीक है, वर्टिब्रेट बॉडी का, इसके अंदर क्या है, अगर आप इसको एक्सटर्नली भी देखें तो इसके अंदर जो है आपको एक लाइन नज़र आएगी, ठीक है। इस लाइन को हम क्या नेम देते हैं, दैट इज़ द लेटरल लाइन, ठीक है। अब फिश जो है वो लेटरल लाइन सिस्टम जो है इसकी बॉडी में दो तरह से जो है वो वर्क करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। एक तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल सेंसिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसे हम इलेक्ट्रो रिसेप्शन का नाम देंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये मकैनो रिसेप्शन में भी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो टास्क है वो हमारा है कि फिश की बॉडी में इलेक्ट्रिकल सेंसिंग किस तरह से हो रही है, लाइक इलेक्ट्रो रिसेप्शन का मकैनिज़म किस तरह से हो रहा है, ये हमारा काम है कि ये इसको हम डिस्कस करें, ठीक है। क्योंकि हमारा जो है वो कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग यही जो है वो टॉपिक है, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रो रिसेप्शन और उसके मैकेनिज्म्स जो हैं वो किस तरह से फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स। तो इसको हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो है वो, अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेटरल लाइन सिस्टम जो है उसमें इलेक्ट्रिकल सेंसिंग या इलेक्ट्रो रिसेप्शन जो है वो किस तरह से वर्कआउट कर रही है, ठीक है, किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रही है, इसमें हम देखेंगे। तो क्या होता है कि मोस्टली जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो क्या करते हैं, वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली कि वो जो हम बात कर रहे हैं कि फ़िश की बॉडी जो है उसमें एबिलिटी है कि वो वीकर इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अब फ़िश के अंदर जो है ये एबिलिटी होती है कि वो उन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है, सेंस कर सकती है, ठीक है। अब फ़िश की बॉडी में ऐसा कौन सा सिस्टम मौजूद है जो उन वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को सेंस करता है, डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करता है, तो वो हमारे पास है लेटरल लाइन सिस्टम, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सेंसिंग में हेल्प आउट करता है, इलेक्ट्रो रिसेप्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर देखा जाए तो लेटरल लाइन सिस्टम का अगर फंक्शन देखें तो वो क्या है, वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड को क्या करता है, वो रिसीव कर रहा है, रिसेप्ट कर रहा है, ये किसका काम है, लेटरल लाइन सिस्टम का। अब मोस्टली होता क्या है कि अगर फ़िश के पास जो है, फ़िश की बॉडी के पास अगर कोई प्रीडेटर आ जाता है जिससे फ़िश को थ्रेट है, या फिर कोई ऐसा सोर्स आ जाता है लाइक जिसे जो है वो फ़िश फूड के तौर पे कंज्यूम करती है, ठीक है, तो उसकी बॉडी से प्रीडेटर या उस फूड सोर्स की बॉडी से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो जनरेट होती हैं उनको क्या करती है, फ़िश जो है वो डिटेक्ट करती है। तो फिर उस तरह से क्या होता है कि फ़िश को जो है वो पता चल जाता है कि उसके इर्द गिर्द क्या है, कोई ना कोई डेंजर जो है वो मौजूद है। तो उसके रिज़ल्ट में होगा क्या, जब फ़िश की बॉडी जो है उसमें ये एबिलिटी होगी कि वो प्रीडेटर की बॉडी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिलीज़ हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, उनको अगर वो डिटेक्ट कर सकती है, तो उसके थ्रू क्या होगा कि फ़िश जो है वो ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सकती है और इस तरह से अपना फूड जो है वो भी कंज्यूम कर सकती है। अब हम इसमें ये बात कर लेते हैं कि हम ये तो बात कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड को क्या करती है कि रिसीव कर लेती है, रिसेप्ट कर लेती है, ठीक है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि फ़िश को किस तरह से पता चलेगा कि इसके इर्द गिर्द जो है वो कोई प्रीडेटर मौजूद है, ठीक है, जो उसे थ्रेट पहुँचा सकता है, ठीक है। तो इसकी बॉडी में, फ़िश की बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, इसकी एपिडर्मिस के ऊपर पोर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब अगर ये आप पोर का स्ट्रक्चर देखें तो ये एपिडर्मस दिखाई गई है जिसमें पोर मौजूद है, ठीक है। तो पोर जो है वो फर्दर एक्सटेंड हो रही है इनटू कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और कैनाल जो है फर्दर बॉल लाइक स्ट्रक्चर में जो है वो कन्वर्ट हो रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्प्यूलरी ऑर्गन या एम्प्यूला का नाम देते हैं। अब ये जो एम्प्यूला आपको नज़र आ रहा है, इस एम्प्यूला को अगर आप गौर से देखें तो इसके साथ जो हैं आपको रिसेप्टर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एम्प्यूला के साथ, बॉल लाइक स्ट्रक्चर के साथ जो हैं वो कुछ रिसेप्टर्स अटैच हुए हैं, ठीक है। अब इन रिसेप्टर्स के साथ क्या है कि सेंसरी न्यूरॉन्स अटैच हैं। अब सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती हैं कि वो मैसेज जो है फिर वो हायर ब्रेन सेंटर तक पहुँचाती हैं, लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है। तो इस तरह से फ़िश की बॉडी जो है वो उन फील्ड्स को डिटेक्ट कर लेती है।
अगर हम इसका इलेक्ट्रोरिसेप्शन का मैकेनिज्म देखें तो इसमें क्या होगा कि ये जो फिश की एपिडर्मस के ऊपर पोर मौजूद हैं तो ये इसके थ्रू जो है वो मैकेनिज्म इसका स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो अगर जो जनरेट हुई है अगर वो पोर के पास आती है जो एपिडर्मस में मौजूद है, उस पोर के थ्रू क्या होगा फिर वो फर्दर पास करेगी इनटू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कैनाल कह रहे हैं, ठीक है। और फिर फर्दर जो है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर में जो है वो जाएगी जिसे हम एम्प्यूलरी ऑर्गन या फिर एम्प्यूला का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और इस एम्प्यूला के साथ क्या मौजूद है, रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अब ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, उस वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर मैसेज जो है वो इन सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू फर्दर ब्रेन तक पहुंचाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि फ़िश की बॉडी जो है वो डिटेक्ट कर लेगी कि उसके पास जो है वो कोई ना कोई डेंजर मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेगी। और ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो इलेक्ट्रो रिसेप्शन में हेल्प आउट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सेंसिंग में हेल्प आउट कर रहा है, तो ये हमारे पास है एम्प्यूलरी ऑर्गन। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये जो हमने होल मैकेनिज्म डिस्कस किया, इस तरह से जो है बेसिकली लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो फिश की बॉडी में वर्कआउट करता है इलेक्ट्रिकल सेंसिंग में, ठीक है, इलेक्ट्रो रिसेप्शन। तो इसके साथ जो है हमारा ये टॉपिक एंड हो गया और इसके साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो एंडोक्राइन फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर।